सिंपल जो प्रॉब्लम्स हैं या जो इश्यूज हैं, ये सबसे अहम मौजू है मैं समझता हूँ हमारी गवर्नेंस का। और मैं ये समझता हूँ कि अगर कल भी बल्कि वज़ीर आज़म साहब से हमारी ये बात हो रही थी कि अगर हम पीटीआई की हुकूमत की एक गलती देखें इन द हाइंडसाइट के, जो हमारे लिए बहुत हमें जिसका नुकसान पहुंचा, वो ये था जो हमने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस जो हैं वो पहले साल में नहीं कराए। ये सबसे बड़ी गलती थी जो कि पीटीआई की हुकूमत। अच्छा, और मैं ये भी आपको बता दूं कि इमरान खान पहले दिन से कन्विंस हैं और पहले दिन से कन्विंस थे कि स्ट्रांग लोकल गवर्नमेंट के बगैर मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। वो क्यों कन्विंस थे? देखिए, अगर आप तारीख को देखें या अगर आप हिस्ट्री को जब देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ गवर्नेंस को देखते हैं, तो दुनिया में क्या होता था? दुनिया में टॉप टू बॉटम अप्रोच थी, यानी ऊपर जो बंदा बैठा हुआ है वो सब लोगों को, नीचे जो है उस सब लोग उसकी तरफ देखते थे। और आपको मालूम है कि जो बादशाह थे हमारे यहाँ, मुख्तलिफ बादशाहों के, सबसे पहले जब तक मैग्ना कार्टा नहीं आया था 1225-26-27 तक, या उससे पहले जो हमारी ओल्ड डेमोक्रेसीज थी, जब जमहूरियत शुरू हुई लैटिन मुल्कों में, उसके बाद जो एवोल्यूशन आया ग्रीक्स में, जो जमहूरियत का आगाज हुआ, फिर उसके बाद दरमियान में फिर रास्ता कट गया, और फिर 1516 से लेके 1226 तक जब मैग्ना कार्टा का एक पूरा दौर हुआ, तो फिर हमारी ये जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है ये हमारे सामने है। उस वक्त भी, उससे उस वक्त और बल्कि हमारे हाँ यहाँ हिंदुस्तान में तो आखिर तक 1857 की जब जंग आज़ादी हुई, उस वक्त भी जो बादशाह थे उनको जिल्ले सुभानी कहा जाता था, शेडो ऑफ द गॉड। वो अपने डिवाइन राइट के तहत हुकूमत करते थे। ये फलाना बादशाह, चूंकि इसका बाप बादशाह था, उसका बाप बादशाह था, उसका डिवाइन राइट है कि वो हुकूमत करे, और तमाम जो सब्जेक्ट है वो उसको उसके ब्लड लाइन की वजह से उसके पीछे चलती थी। तो हुकूमत जो है वो टॉप पे बैठती थी, बिकॉज शेडो ऑफ द गॉड जिल्ले सुभानी जो है वो ऊपर बैठते थे और सारी हुकूमत नीचे थी और लोग सारे उनकी तरफ देखते थे। फिर जब जदीद जमहूरियत आई और लोगों को ये ख्याल आया कि नहीं, सबसे पहले आपको मालूम होगा बहुत सारे दोस्तों को, बिल ऑफ राइट्स मंजूर हुआ 1617वीं सदी में, तो जो बरतानवी पार्लियामेंट थी उसमें ये आ गया कि नहीं, जो टैक्स का पैसा है वो बादशाह अपनी मर्जी से खर्च नहीं करेगा, टैक्स लगाने का जो इख्तियार है बादशाह को वो नुमाइंदों के बगैर नहीं होगा। तो तमाम जो हमारी बहस हुई राइट्स के ऊपर, हकूक के ऊपर, वो टैक्स लगाने से शुरू हुई कि टैक्स तब लगेगा जब अवाम के मुंतखिब नुमाइंदे टैक्स की इजाजत देंगे। तो ये एक मॉडर्न डेमोक्रेसी की जो इब्तिदा हुई ये हमारी तकरीबन 17वीं सदी से हुई, जब पार्लियामान जो बरतानिया की है वो इस नतीजे पर पहुंची कि टैक्सेशन का अख्तियार बादशाह का जो है वो सब्जेक्ट टू लोगों की अप्रूवल के, लोग मानेंगे तो आप टैक्स लगाएंगे, और उसके बाद फिर बादशाह का अख्तियार जो है वो कम होता गया। जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है, इसकी जो मॉडर्न, सबसे जो मॉडर्न फॉर्म है, क्योंकि जब बादशाह के अख्तियार कम होता गया और अवाम पावरफुल होते गए, तो जमहूरियत में फिर यह हो गया कि टॉप टू बॉटम अप्रोच के बजाय बॉटम टू टॉप अप्रोच होगी। लिहाजा अब हुकूमत जो मॉडर्न गवर्नमेंट है उसको नीचे से ऊपर देखना होगा, ऊपर से नीचे नहीं देखना होगा। और नीचे से ऊपर देखने की जो सबसे क्लासिक, सबसे बेहतरीन, सबसे जबरदस्त निजाम है वो लोकल गवर्नमेंट्स का निजाम है। अब हमारा आइन बड़ा वाजे है। हमारे आइन में जब मैं सबसे पहले तो जब आपको याद है 2006 का लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया, वो बड़ा रेवोल्यूशनरी एक्ट था, जो परवेज मुशर्रफ साहब ने उस वक्त उसके ऊपर काम किया था, उस हुकूमत ने वो काम किया था। 2002 में ये शुरू हुआ, फिर 2006 में ये लागू हुआ। जबरदस्त सिस्टम था, लेकिन उसमें बहुत बड़ी एक खामी थी। उसमें खामी ये थी कि सूबों के इख्तियार डिवॉल्व कर दिए गए, लेकिन मरकज से सूबों के इख्तियार डिवॉल्व नहीं हुए। लिहाजा जो सूबे थे उनको एक वो तशनगी रह गई कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। 18वीं तरमीम ने आके ये किया कि उन्होंने जो ये खामी थी, जो नेशनल से सूबों में डेवोल्यूशन होनी थी, वो
वफाकी हुकूमत से उन्होंने सूबों में डेवोल्यूशन कर दी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो ज्यादती हुई वो ये हुई कि जो सूबों के अख्तियार जो 2006 में डिवॉल्व हुए थे वो सूबों ने नीचे से ऊपर ले लिए। तो जो डेवोल्यूशन का फायदा होना चाहिए था 18वीं तरमीम के नतीजे में वो लोगों को पहुंच ही नहीं सका। अब आप देखिए इसका, अगर पाकिस्तान की गवर्नेंस का इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तो वो ये आर्टिकल 140A की इंप्लीमेंटेशन ना होना। आर्टिकल 140A क्या कहता है? हम सारे पाकिस्तान से टैक्स इकट्ठे होते हैं, फेडरल हुकूमत के पास आते हैं, फेडरल हुकूमत के पास से ये टैक्स 60% के करीब, 57.86% के करीब ये टैक्स वापस सूबों को चले जाते हैं। सिर्फ 3 सालों में पंजाब को तकरीबन 2400 अरब रुपया नीचे गया, सिंध को तकरीबन 1700 अरब रुपया जो है वो गया है, बलूचिस्तान की आबादी फैसलाबाद डिवीजन की आबादी के लगभग है, इतने की तकरीबन उनकी आबादी है, उनको तकरीबन 700 अरब रुपया जो है वो नीचे गया। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा को तकरीबन 900,000 अरब रुपया जो है वो नीचे गया। लेकिन हो क्या रहा? लोकल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी मुखालफत इस वक्त कहां से आ रही है? चीफ मिनिस्टर्स की तरफ से। क्योंकि जो प्रॉब्लम आ रही है ये है कि जब इतना पैसा फेडरल गवर्नमेंट से नीचे चला गया और वहां पे वो स्टक हो गया चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस में, और दूसरा फिर प्रॉब्लम आ जाता है हमारे एमएनएज एमपीएस राजी ही नहीं है कि वो पुलिस और ठेकेदार और पटवारी से ऊपर सोच रखे। जब तक हम अपनी सोच को अपने पांव से आगे नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी सोच को अपने पांव से आगे सोचने की सलाहियत पैदा नहीं करेंगे, मुल्क कैसे ऊपर जाएगा? इतना पैसा जो है, जो कल भी हम सिंध में गए हैं, अब आप देखिए सिंध में एक तो आपने 1700-1800 अरब रुपया आपने दे दिया एनएफसी अवार्ड के हिस्से के तौर के ऊपर, फिर कराची में, जाहिर है कराची में पीटीआई जीती है, कराची में जो सिंध हुकूमत है वो 1 रुपया खर्च नहीं करती, लिहाजा वहां के लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमने तो पीटीआई को वोट दिया है, हमें तो आपको जो है वो हमें आपको टेक केयर करनी चाहिए। लिहाजा पीटीआई को उस पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर कराची को एक्स्ट्रा पैसे, 1100 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट ने उठा के कराची में और लगा दिया। आपने केसीआर बना दी, आपने नाले साफ कर दिए, आपने कहा लोकल गवर्नमेंट के सारे सिस्टम जो हैं वो हम ठीक करेंगे। लेकिन मुझे बताइए इस्लामाबाद से बैठ के कराची के मसले जो हैं वो कैसे आप हल कर सकते हैं? इसका वाहिद और दूसरी फिर बड़ी प्रॉब्लम ये है, सुप्रीम कोर्ट में हमारी अदालतों में भी रोजाना केसेस जाएंगे, उसके ऊपर बातें होंगी, जो रियल केसेस जिनका इम्पैक्ट आना है उसकी तरफ अनफॉर्चुनेटली कोई हमारी तवज्जो ही नहीं है। 140A के ऊपर खुद इमरान खान साहब की जो पटिशन है वो पेंडिंग है, मेरा ख्याल है कम से कम 8 साल हो गए, 6 साल हो गए हमें उसकी पटिशन के वो लगने को नहीं देती। सो मेरे ख्याल में, आई कैन बी टोटली रॉन्ग, पार्लियामेंट के ने आर्टिकल 140A पास कर दिया, अब ये कानून जब तक सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको इंटरप्रेट नहीं करेगी, अब इस वक्त निजाम क्या है, आप एनएफसी अवार्ड में पैसे जमा करते हैं, पैसे सूबों में डिवाइड होते हैं, आगे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड ही नहीं हो रहा। सरहद केपी ने जो है वो थोड़ा बहुत केपी में यह हुआ है कि उसमें उन्होंने एक निजाम वजह किया है, बाकी तो तीनों सूबों में प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड ही नहीं हो रहा। जब प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड नहीं हो रहा तो फिर गिले पैदा होते हैं, एक जिला कहता है कि आपने इसको ज्यादा दे दिए फलाने को ज्यादा, जिस तरह आपने देखा पिछले दौर में शहबाज शरीफ साहब ने तकरीबन जो पंजाब का बजट था उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो खाली लाहौर के ऊपर खर्च हो गया, बाकी सारे सूबे। अब मतलब आप बताइए ये जो ट्रेन बनना है ये जबरदस्त है, सड़कें बनना जो है वो जबरदस्त काम है, लेकिन आप लाहौर में ट्रेन लगा दी आपने, $260 मिलियन उसके ऊपर खर्च कर दिए, उसका जो किराया पूरा नहीं हो रहा, सब्सिडी आप हमसे जेलम से लैया से चकवाल से लेके पैसे लाहौर के उसमें प्रोजेक्ट में दे रहे हैं, ये तो कोई तरीका नहीं है। तेहरान उसके मुकाबले के ऊपर अभी सैंक्शन है, ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं और तेहरान उसके बावजूद $500 मिलियन साल का अपना जनरेट करता है और अपने लोगों के ऊपर जो है वो खर्च करता है। इसी तरीके से बॉम्बे एक
बिलियन डॉलर जो है वो साल का इकट्ठा करता है, लेकिन हमारे जो बड़े शहर हैं उनमें ना लोगों को कोई प्रॉब्लम है कि वो अपनी कोई टैक्सेशन का निज़ाम बनाए, ना ही हमारे खर्चने का कोई प्रॉब्लम है। लिहाजा मेरी नज़र में जो कोर इशू है पाकिस्तान की गवर्नेंस का और स्पेशली हमारी प्रोविंशियल, और इसका सूबों में भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। देखिए मिसाल के तौर के ऊपर अगर पिंडी भटिया में कोई हस्पताल में डॉक्टर नहीं है तो उसका रिस्पॉन्सिबल चीफ मिनिस्टर है, असूलन नहीं होना चाहिए। पिंडी जो हाफजाबाद का मेयर है उसको होना चाहिए उसका रिस्पॉन्सिबल। इसी तरह से अगर आपके मुल्तान में कोई प्रॉब्लम है या फॉर एग्जांपल अगर आपका चागी में जो है वो स्कूल नहीं चल रहे तो कोयटा में बैठा हुआ चीफ मिनिस्टर चागी के मसले को कैसे वो जो उसको उसको तो पहुंचते पहुंचते जो है वो दो साल लग जाएंगे। सो मेरी नज़र में पाकिस्तान में हमारी बैठनी में महमूदुर रशीद साहब बैठे हैं, जब से ये आए हैं इन्होंने धक्का लगाया है लॉ को और हमें उम्मीद है कि हम उस तरफ जाएंगे, लेकिन जो विल अदालतों की तरफ से, जो विल हमारी पार्लियामेंट की तरफ से लोकल गवर्नमेंट के लिए जाहिर होनी चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली मौजूद नहीं है। और जो बनाते भी हैं, अब जैसे ये सिंध का जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है या ये जो पंजाब का जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम खत्म किया है, ये हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? इनमें ना कोई आपने इख्तियार दिया, ना आपने कोई पैसे दिए, ना आप वो तो आप तो कठपुतली हैं सारे के सारे जो जो जिस जो जिस निजाम में आपने रखा हुआ है। सो प्राइमरी प्रॉब्लम इज एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पाकिस्तान के आइन की डिमांड है, पाकिस्तान के लोगों के मसाइल का हल है, और ये एक फ्यूचरिस्टिक निज़ाम है जिसके लिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान के हर फर्द को जो सियासी शऊर रखता है कोशिश करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत